हेलो प्यारे स्टूडेंट, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम न्यूमेरिकल की सीरीज नंबर 5 लेके आए हैं, लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं। यूनिट एंड डायमेंशन के आज हम 4 क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है ये देखते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्स इफ वाई इज इक्वल टू 10 xt। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई इज इक्वल टू मेरा लिखा हुआ है 10 xt। अब मैं जानता हूं ये जो xt होता है 10 थीटा यानी एंगल के इक्वल है। XT मेरा किसके इक्वल है, एंगल्स के इक्वल है, जबकि मुझे डायमेंशन किसकी निकालनी है, XT की। तो एंगल क्या होता था मेरा, डायमेंशन लेस होता था, ये मैं जानता हूं। और डायमेंशन लेस की वैल्यू मैं 1 रख सकता हूं या फिर m0 l0 t की पावर 0 रख सकता हूं, यही लिख सकता था, ठीक। तो मैंने क्या किया, XT की अगर मुझे डायमेंशन यहां निकालनी है, XT इज इक्वल टू किसके है, डायमेंशन लेस के है, m0 l0 t की पावर 0। जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं इस तरीके से करते हैं जहां डायमेंशन लेस होते हैं, क्योंकि ना तो हमें बाई पता, ठीक, बाई आउटपुट है। तो x निकालना है, तो x t की डायमेंशन हमें दे रखे है कि t क्या होता है, टाइम, t के इक्वल m0 l0 t0, ठीक, डायमेंशन लेस है ये। तो x बराबर किसके आएगा, t इनवर्स, x बराबर किसके आएगी डायमेंशन, t इनवर्स। जब भी एंगल दिया हो y इज इक्वल टू 10 xt दे रखा है, ये एंगल्स के इक्वल होती है, और एंगल क्या होती थी, डायमेंशन लेस होती थी, ठीक है, m0 l0 t0। तो xt बराबर किसके होगा, डायमेंशन लेस के होगा। यहां से x फाइंड कर लिया, t टाइम होता है, तो t की डायमेंशन क्या होती है मेरी, t होती है कैपिटल D, और x बराबर t इनवर्स इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके का है कि द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी, टाइम क्या है, टी है, पोजीशन दे रखी है पार्टिकल की, तो इसका मतलब मुझे पता लग गया कि जो एक्स टी दे रखा है वो किसके इक्वल है, यानी एक्स टी जो पोजीशन है वो किसके, क्या है, पोजीशन, ये क्या है भाई मेरे, पोजीशन है, ठीक। अब इसने बोला वेयर वी नॉट इज अ कॉन्स्टेंट, अल्फा इज ग्रेटर देन 0, फाइंड द डायमेंशन वी नॉट एंड अल्फा। वी नॉट अल्फा की जब डायमेंशन निकालेंगे तो एक्स टी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन अल्फा 1 - c - α t दे रखा है, ये क्या है मेरा, c - α t है, ठीक, c - α t दे रखा है। अब देखो बी नॉट अल्फा इज इक्वल टू एक्स टी के रखता हूं तब भी बी नॉट की नहीं मिलेगी मुझे डायमेंशन, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे अल्फा की नहीं पता, ठीक, और बी नॉट इज अ कॉन्स्टेंट है, एक्स टी की तो पता है पोजिशन है, तो पोजिशन की एल होती है, तो एल बराबर बी नॉट अपॉन अल्फा हो जाएगा, लेकिन अल्फा की नहीं पता। अब यहां पे देखोगे जब भी कोई चीज पावर में आती है तो वो कैसी होती है, डायमेंशन लेस होती है। पावर की बात करें जैसे 5 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या होगी, डायमेंशन लेस मानी जाएगी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं हो सकती। तो जो भी पावर में आता है वो कैसी है, डायमेंशन लेस के इक्वल मानी जाती है। तो हमने यही किया कि अल्फा टी को डायमेंशन लेस मान लिया, डायमेंशनल नेस मान लिया। जब हमने इसको डायमेंशनल नेस माना तो अब डायमेंशन की वजह से क्या हुआ इसका, कि ये कांस्टेंट है यानी कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, m0 l0 t0 डायमेंशन नेस है, ठीक। तो अल्फा टाइम की टी होती है, तो अल्फा की क्या निकल के आई, 1/t, अल्फा इज इक्वल टू 1/t, यानी अल्फा की जो निकल के आएगी वो टी इनवर्स आएगी, m0 l0 t इनवर्स। अल्फा की क्या निकल के आई, m0 L0 T0 थी, तो 1/t के, तो T इनवर्स, क्योंकि अल्फा टी क्या है, पावर में दिया है, तो ये पावर क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी, तो डायमेंशन लेस होती है, तो इससे मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली। अब अल्फा की वैल्यू पता लग गई, तो एक्स टी क्या होती थी, पोजीशन, पोजीशन की क्या होती थी, एक्स टी इंटू अल्फा इज इक्वल टू बी नॉट के, तो बी नॉट की निकाल सकते हैं, एल इंटू टी माइनस 1, तो एल टी माइनस 1, बी नॉट की क्या होगी, Lt-1 होगी, क्योंकि पोजीशन है, पोजीशन की होती है क्या, डायमेंशंस L, पोजीशन की डायमेंशंस क्या होती है, L होती है, तो Lt-1 हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते थे, लाइट ईयर का यूज करते थे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ A अपॉन B इन द गिवन इक्वेशन f इज इक्वल टू √x + bt² वेयर f इज अ फोर्स, x इज अ डिस्टेंस एंड t इज अ टाइम। t क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, फोर्स क्या है मेरी, f है, ठीक।
चलो फोर्स एफ है, डिस्टेंस एक्स है, टी टाइम है, फॉर्मूला दे रखा है एफ इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, ए अपॉन बी की डायमेंशंस पूछी है। ठीक, ये क्वेश्चन में ए अपॉन बी की डायमेंशंस क्या है मुझसे पूछी गई है। तो जब इसको करूंगा तो एफ इज इक्वल टू किसके होगा, ए रूट एक्स, ए इज इक्वल टू किसके आएगा मेरा, एफ अपॉन रूट एक्स। ठीक, f की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, इसकी डायमेंशन क्या होती है, l, l की पावर 1 बाई टू। ठीक, l की पावर 1 बाई टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम एल 1 प्लस 1 बाई टू, तो ये कितना आएगा, 2 प्लस 1 3 बाई टू, है ना, ये कितना आएगा, 2 प्लस 1 3 बाई टू। ठीक है ना, माइनस का सॉरी 1 बाई टू है ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई टू, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 बाई टू ही रहेगा, t माइनस 2, तो इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी आपकी m l 1 बाई टू t माइनस 2, क्योंकि नीचे किसका था, 1 बाई टू प्लस का था, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो एम एल 1 बाई टू टी माइनस 2 किसकी आ गई, ए बी, b इज इक्वल टू निकालेंगे f अपॉन टी स्क्वायर के, तो एम एल टी माइनस टू एफ की होती है टी स्क्वायर, इस b की होती है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये भी माइनस का 2 हो जाएगा, t माइनस 2 माइनस 2, तो एम एल टी माइनस 4, एम एल टी माइनस 4, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी मेरी, एम एल टी माइनस 4 आ जाएगी। ठीक है, अब ये डायमेंशन आ गई, a अपॉन b की पूछी है, तो a अपॉन b के लिए क्या करेंगे, a की क्या थी, एम एल वन बाई टू टी माइनस टू अपॉन एम एल टी माइनस फोर, तो सिंपल है, m से m कैंसिल, अब l ऊपर जाएगा, l इनवर्स होगा तो 1 अपॉन टू माइनस 1 करेंगे इसे। ठीक है, तो ये l माइनस 1 बाई टू हो जाएगा, l माइनस 1 बाई टू, अब t t इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 4 होगा, तो माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन क्या निकल के आएगी, एल की पावर माइनस 1 बाई टू टी स्क्वायर, तो ए अपॉन बी की डायमेंशन क्या होगी, एल की पावर माइनस 1 बाई टू टी स्क्वायर। ये जितने भी क्वेश्चन है हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से करते हैं। ठीक है ना, एफ इजिकल टू पहले इसकी निकाली ए की, फिर इसके साथ इसको इक्वल रखा तो बी की फाइंड कर ली, फिर ए अपॉन बी का रेशियो कर ली। ठीक है ना, तो ये थी हमारी न्यूमेरिकल सीरीज नंबर 5।